वेलकम टू एक्सेल लर्निंग, दिस इज़ मी प्रिया एंड हम लोग घटना चक्र की PYQ सीरीज़ को कवर कर रहे थे। UPPCS 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड आपको पता है इसमें सारे जितने भी आपके सिविल्स के एग्जाम्स होते हैं, UPSC से लेके UPPCS, BPSC, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सबके आपके जितने भी PYQs होते हैं वो कवर रहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा पैकेज बन जाता है, तो उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, है ना। अगर आप इसके बाहर नहीं भी पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट डू द वर्क। कई सारे लोग कह रहे हैं कि घटा चक्र नहीं करनी, नहीं करनी है, दैट इज ओके, वो अपना उनका पॉइंट है, बिकॉज बहुत सारा डिटेलिंग कुछ रहता है, बट बीइंग अ PYQ का सेट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये PYQ है एंड PYQs हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। BPSP हम लोग का हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हम लोग का हो चुका है एंड ये थर्ड टॉपिक है। देन आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज पे। इसका मेन काम क्या है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की सोवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना एंड प्रोटेक्ट करना, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटी का काम है। एज इट इज ये स्टेटमेंट आपका आया हुआ था। अब हम आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज पे। ये आपका 51A में दिए हुए हैं, आर्टिकल 51A में। ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन से पार्ट में है? पार्ट 4A में दिया गया है। कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको ऐड किया गया था, जो हमने DPSPs में बहुत सारे आर्टिकल्स देखे थे जिसके थ्रू ऐड हुए थे। फिर हम और देखते हैं, स्वर्ण सिंह की जो कमेटी थी उनके रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया था। इसमें अगर देखेंगे तो और क्या देखने को मिल रहा है? पहला जो इसमें पार्ट है, अब इसमें ना आपके 11 आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज पहले आपके 10 थी, उसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, तो टोटल आपको कितनी देखने को मिल रही है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज होती कैसी है? नॉन जस्टिसिएबल है, एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स होते वैसे नहीं होते, नॉन जस्टिसिएबल है। नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड दम, इनके पीछे कोई लीगल सैंक्शन नहीं होता। अगर आप इसको अवॉइड नहीं भी कर रहे हैं तो भी, है ना, आपको पता है एक तरीके से आपका ड्यूटी मानी जाती है किसी भी सिटीजन की कि आपको फॉलो करना है। ठीक है, देन नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, आप इसके लिए कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो पहले देख लेते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए, अब अपने इंडिया को ना एज अ बेसिकली कंट्री लेते हुए चलेंगे तो हम पढ़ेंगे किस तरीके से हम फ्लो में इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको काम क्या होना चाहिए, आपके आइडियल और नेशनल फ्लैग और एंथम को आपको क्या करना है, बेसिकली रिस्पेक्ट करना है। ऑब्वियसली चीज है, संविधान को मानिए और इन लोग को रिस्पेक्ट करिए। ठीक है, उसके बाद आपके जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल के जो भी फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, ठीक है, जिन्होंने फ्रीडम के लिए काम किया था, नेशनल अगर में काम किया था, उन नोबल आइडियाज को आपको चेरिश करना एंड फॉलो करना है, सेकंड थिंग है। ठीक है, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, उसके बाद सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो एज इट इज पूछा गया है उसको हमें करना है। फिर नेशनल सर्विस प्रोवाइड करनी है, कंट्री को डिफेंड करना है, प्रमोट करनी है हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, भाईचारा बढ़ा लिया, भाईचारा बढ़ाने के बाद में हमें क्या करना है, डिग्निटी ऑफ वुमेन को भी क्या करना है, मेंटेन करना है। साथ ही साथ ऐसी प्रैक्टिसेस जो डेरोगेटरी है डिग्निटी ऑफ वुमेन की, क्या करती हैं, उसकी उनकी गरिमा को कम करती हैं, उसे रिनाउंस करना है, त्याग देना है। दूसरा अगर हम देखेंगे, हमारी कल्चर, रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर को हमको वैल्यू करना है, प्रिजर्व करना है ना। इमारतें रहती हैं, कहीं पर आपने पढ़ा है ना, वो देखा होगा, कुतुब मीनार है, आई लव ये लिख के लग दिया है, R-N कुछ भी लिख दिया, ये सब काम नहीं करना है, उसको प्रिजर्व करना है। ठीक है, प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है नेचुरल एनवायरमेंट को हमारे, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट हो गए, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। उसके बाद हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। पहले हमने क्या किया, जो हमारी नॉन लिविंग चीजें थी, यानी जो हमारी धरोहर थी, हमने उसको प्रोटेक्ट किया, प्रिजर्व किया। अब हम किसको बचाएंगे, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसमें आपके फॉरेस्ट, लैक, रिवर, वाइल्ड लाइफ सब आ जाएगा, लिविंग क्रिएचर भी आ जाएंगे। दूसरा, साइंटिफिक टेंपर, हमने सबको बचा लिया, अब हमें क्या करना है, आगे की तरफ इनोवेशन की तरफ काम करना है। तो साइंटिफिक टेंपर और ह्यूमनिज्म डेवलप किया इंक्वायरी एंड रिफॉर्म की स्पिरिट के साथ में। ठीक है, 51AH ये भी पूछा गया है। फिर सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जर्व वायलेंस, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है। बांग्लादेश में भी हम वायलेंस देख रहे हैं किस तरीके से मिलिट्री कोप हुआ है, ठीक है, उससे हमें बचना है, वो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, बाद में हमारे ही टैक्स से बनेगी, हमें ही पैसा देना पड़ेगा। अब आप सोचिए, वहां पर जाके लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रेस्टोरेंट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप सोचिए, कल को आपको भी तो उसी रेस्टोरेंट में जाके बैठना है, आपको भी तो खाना खाना हो सकता है, अब वो रहेगा नहीं तो आप क्या करेंगे। ठीक, तो वो हमें प्रोटेक्ट करना है, वायलेंस नहीं करनी है। स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस, एक्सेलेंस की तरफ काम करना है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, कलेक्टिव लेवल पे हो, ताकि हम क्या काम कर सके कि हमारा जो नेशन है वो कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है, लगातार बढ़ते चले जा रहा है हाईर लेवल पे, और एंडेवर और अचीवमेंट आते जा रहे हैं ना। अचीवमेंट अभी आप देख सकते हैं मनु भाकर ने किस तरीके से 10 मीटर पिस्टल में आपके मिक्स टीम में क्या किया है, मेडल जीता है। फिर हम देखते हैं, हु इज पेरेंट या गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज केस में बी वॉट बिटवीन एज ऑफ 16 ईयर्स। ये फंडामेंटल ड्यूटी आपकी लास्ट में एड की गई, जो भी पेरेंट या गार्जियन होगा उनको प्रोवाइड करनी है अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की, किसके लिए, अपने चाइल्ड के लिए जो 6 से 14 साल के बीच में होगा। सो दिस इज रिगार्डिंग आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। और देखते हैं 15C की, टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, हमें क्या करना है, फॉस्टर करना है रिस्पेक्ट अपने किसके लिए, इंटरनेशनल लॉ के लिए। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया, वेदर इट इज फंडामेंटल
ड्यूटीज और नहीं, किसी को पता नहीं है तो वो ये भी देख के बता सकता है, बट मुझे बताइए। फिर लोग देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं, कैन बी प्रमोटेड ऑनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, अगर आप देखेंगे ठीक, इसको क्या कर सकते हैं, कैन बी यूज फॉर इंटरप्रेटिंग एम्बिग्यूस स्टैट्यूट्स, अगर मान लीजिए कोई ऐसा लॉ है, कोई चीज है जिसको आप बेसिकली जिसकी मीनिंग क्लियर नहीं है, तो उसकी मीनिंग को क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर ड्यूटी कम्स विद इन द स्फीयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ व्हिच कोर्ट हैज टू डिसाइड, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर ड्यूटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर में आता है वो कोर्ट डिसाइड करेगा आपका, ठीक है। सो ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। दूसरा, ये आपका पार्ट नहीं होती फंडामेंटल राइट्स के, तो ध्यान रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नो वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा ये एज इट इज सिंपल है, बट यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ऐसा होता है नहीं होता है, तो अपनी क्लियरिटी लेके चलनी है। दो पॉइंट पढ़ने, दो में क्लियर रहना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है, फंडामेंटल राइट अलग है। उसके बाद To protect monuments and places of public importance. क्या कहीं हमने ऐसा पढ़ा है, आपको लग सकता है बट मैं आपको वापस दिखा सकती हूँ, ठीक है। Now see, यहाँ पर कहीं पर भी आपको monument के बारे में बात नहीं दिखेगी। Have you seen? देखो, protect करने की बात हो रही है तो हमें क्या करना है, Let me show you. Rich heritage and composite culture की बात हो रही है, ठीक है। कहीं पर भी हमने किसकी बात नहीं करी है, आपके monument की या public importance की बात नहीं करी है, ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा। 11th fundamental duties की बात करते हैं, कब ऐड की गई थी, 86th amendment act 2002 के तहत, जो मैंने देखा लास्ट में ऐड की गई थी, ठीक। उसके बाद अगर आप ये आपका मैज़ा फॉलोइंग में आया था, पार्ट टू में सिटीजनशिप होता है, थर्ड में फंडामेंटल राइट्स, फोर में डीपीएसपी, मैंने पहले भी कहा था आपसे मैज़ा फॉलोइंग में आ जाता है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे फिफ्थ में यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड सिक्स फोर्थ ए में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, सो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दिस इज रिगार्डिंग, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए, ये ज्यादा क्वेश्चन क्या, पूरी पूरी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आपके सामने है, उसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, छोटा सा ही लेक्चर है ना, जैसे इसको कभी भी चलते चलते सुन लीजिएगा तो आपका एक नंबर तो पक्का हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइटिंग, और कुछ अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।